नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। शुक्रवार को दिल्ली के रानीबाग इलाके में स्थानीय लोगों और एनजीओ के मेंबर्स के बीच में झड़प हो गई। ये वाक्या तब का है जब एनजीओ के मेंबर्स रानीबाग में स्ट्रीट डॉग्स के बचाव के लिए गए थे। दरअसल दिल्ली के तिमारपुर में स्थित नेबरहुड वुफ नामक एनजीओ चलाने वाली आयशा का कहना है कि जब वो एनजीओ के बाकी मेंबर्स के साथ रानीबाग में शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच स्ट्रीट डॉग्स के बचाव के लिए गई तो वहाँ के कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने उनके और उनके एनजीओ के मेंबर्स के साथ मार पिटाई की। उनका कहना है जब वो इस मामले की रिपोर्ट करने आजादपुर पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर पुलिस का बर्ताव उनके साथ सही नहीं था, जिसके बाद वो अपने फ़ोन से एक वीडियो बनाती हैं और बताती हैं कि उनके और उनके साथियों के साथ क्या हुआ। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो। हाय, दिस इज आयशा अगेन। वी कीप टॉकिंग टू यू अबाउट द काइंड ऑफ स्टफ दैट हैपेंस टू मी। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द ड्यूटी ऑफिसर एट आजादपुर स्टेशन। वी हैव जस्ट बीन बीटन अप व्हाइल वी वर कैचिंग डॉग्स। Somebody came and spoke to our staff badly as usual. We are supposed to shut up and take this nonsense all the time. So when we decide to stand up and for our voice to be heard, this is what is done to us. This is Vipin state, okay? This is Abhishek state. This is Deepak state. And this is the state of our car. This is what happens. This is routine. This is now routine in our country. Okay? This is what we have become used to dealing with. It's nothing new. This is what happens all the time. And now, just watch. Okay? There are these conversations happening. This is how seriously we are taking it. This is what we deal with every single day. इस पूरे मामले पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल का कहना, ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक लड़की जो बेजुबान जानवरों के लिए कार्य कर रही है उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उनका कहना है कि DCW की टीम उनके साथ लगातार संपर्क में है और इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि निवासियों के खिलाफ IPC की धारा 323, 341, 506 और 427 के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मामले पे आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।